मगर इस तरह की हरकत करोगे तो हम कहीं तुम्हारा लिखे क्या नहीं क्या हैं, होगा, हम हम बताएंगे आपका नहीं, तुम हमारे चचा, आपके साथ हम आओ। चिट्ठी का कहीं विरोध नहीं किए हैं। अगर कुछ भी करोगे लिखोगे तो हाँ समझ जाओगे तुम्हारे हाथ पर तोड़वा देंगे हम, तो तोड़वा दीजिए, अब यही हो जाए। और तोड़वा देंगे इस बार बहुत बुरा हो जाएगा, सोच चलिए लेना। ठीक है, तो तोड़वा दीजिए। हाँ ठीक इस है, तरह से हरकत मत करो तुम। इस ऑडियो में जो शख्स हाथ पैर तुड़वाने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है वो सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद रिजवी हैं, जो इस ऑडियो में पार्टी के एक युवा नेता मोहम्मद जुबैर को धमकी दे रहे हैं। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हेलो, सभासद 15वें में आके बोल रहे हैं कि हाँ सिंबल का त्याग करेंगे, ना सिंबल मिलेगा तो जुबैर हम दूसरा सोनू लड़ेंगे धंधा जी। से। ये तरीके अपन अच्छा ये स्टेटमेंट दे रहे बताओ, थे, बहुत अकेला लात हाँ मार देंगे का भैया, चौरे बड़े का डाला था ये तो मालूम बा की वजह से कैंसिलेशन भाई बट राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर फ्री होल्ड कर दिया गया सिकंदरपुर। तो हम तो समझ चाचा उस पर कुछ क्या लिखे नहीं है, हो है? हम तो उस पर कुछ लिखे नहीं है। लिखे हो आपके चिट्ठी पे कुछ नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हो कि रिजवी साहब जिस सिंबल से लड़े उसी का विरोध कर रहे हैं? ना, कहीं कुछ नहीं लिखे हैं हम। लिखे हो चल रहा तमाम लोग हम तो हम वोट डाले हैं कि अगर। अच्छा दिनेश ये बताओ अब सिकंदरपुर में क्यों क्या कर रहे हो यहाँ, जब बात जी खाली हो वहां तो नहीं जा रहे हो? हम बांध से क्यों करना बताइए, वहां से जो तो ले जाया बांध करता है जब तो 5 साल में मिले रहो, अगर बात फिर 5 साल हमको टिकट मिले फिर 5 साल रहो, हारो क्या जीता हो। तो आप क्या कहें आपको हम? मगर इस तरह की हरकत करोगे तो हम कहीं तुम्हारा लिखे क्या नहीं क्या हैं, होगा, हम हम बताएंगे आपका नहीं, तुम्हारा चचा, क्या आपके हम होगा। चिट्ठी का कहीं विरोध नहीं किए हैं। अगर कुछ भी करोगे लिखोगे तो हाँ समझ जाओगे तुम्हारे हाथ पर तोड़वा देंगे हम, तो तोड़वा दीजिए, अब यही हो जाए। और तोड़वा देंगे इस बार बहुत बुरा हो जाएगा, सोच चलिए लेना। ठीक है, तो तोड़वा दीजिए। हाँ ठीक इस है, तरह से हरकत मत करो तुम। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर युवा नेता ने ऐसा भी क्या कर दिया जो विधायक जी को अपना ये रूप दिखाना पड़ा। दरअसल मोहम्मद जुबैर को पार्टी से सिंबल मिला था और आरोप है कि विधायक जी उस पर पार्टी के खिलाफ प्रचार करने का दबाव बना रहे थे। जब पानी सर के ऊपर चला गया तब मोहम्मद जुबैर ने अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया और उन्होंने मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि मेरे साथ दुर्घटना हो गई है, इसलिए मैं मीडिया के सामने आप सभी से अपनी जान की सुरक्षा की मदद मांगता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर खान सोनू है, मैं समाजवादी पार्टी यूथ का राष्ट्रीय निवर्तमान सचिव हूँ। मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है जिससे मैं मीडिया के सामने से आपसे गुहार कर रहा हूँ, मुझे मदद हो और मेरी जान को माल की सुरक्षा की गुहार कर रहा हूँ मैं। इससे जान माल के आपके क्या हुआ है, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? देखिए, सिकंदरपुर नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित, समाजवादी पार्टी द्वारा दिनेश चौधरी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और वहाँ पे पूर्व मंत्री जियाउद्दीन रिजवी साहब अपने पक्ष के प्रत्याशी को टिकट ना मिलने के कारण एक प्रत्याशी अपना लड़ा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसको प्रत्याशी घोषित करेगी, मैं कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ, मैं पार्टी का प्रचार करूँगा, परंतु रिजवी साहब लमसम 30 वर्षों से लगातार वहाँ अकेले टिकट पा रहे हैं। मैं पहला जनपद का मुसलमान हूँ जहाँ समाजवादी पार्टी से आवेदन किया, तब से मुझे 2022 से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, कई बार परेशान किया गया, जलील किया गया, लेकिन मैं नहीं बोला कि चलिए सीनियर नेता हैं। लेकिन परसों जब सिंबल में जमा कर रहा था दिनेश चौधरी का तहसील के बाहर और रात को नगर में भ्रमण कर रहा था, तब तक मुझे जियाउद्दीन रिजवी साहब फ़ोन करते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी और मेरा हाथ पैर तोड़वा देंगे और बोल रहे हैं कि यहाँ सिकंदरपुर दिखे तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। पीड़ित युवा नेता ने आगे बताया कि वो इस संबंध में डीएम साहब से मिले और उनको पूरा ऑडियो सुनाया और वो इस पूरे मामले में इंसाफ चाहते हैं। इस संबंध में हम लोग जिला डीएम एससी साहब से मिले हैं, उनको पूरा ऑडियो सुनाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नेतृत्व को दे दिया गया है, नरेश उत्तम जी को सूचना दे दी गई है और जिले के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, हम इस बात से दुखित हैं, हमारे पक्ष में है और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ, क्योंकि आप मुसलमान होना, क्या गरीब परिवार के बेटा क्या विधानसभा का टिकट नहीं मांग सकता? मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और मैं रिजवी खिलाफ अगर टिकट मांग रहा हूँ तो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, इससे मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारी मदद करें। कितने दिनों से आप समाजवादी पार्टी में हैं? मैं 2001 से समाजवादी पार्टी में हूँ। किस किस पद पर हैं? मैं स्टार्टिंग किया हूँ मनियर नगर पंचायत के यूथ ब्रिगेड का सचिव था, उसके बाद प्रदेश में रहा, उसके बाद राष्ट्रीय रहा और 2022 में समाजवादी पार्टी से सिकंदरपुर में रिजवी खिलाफ पहला मुसलमान जनपद में आवेदन किया था और तब से वो मुझसे खुनस निकाल रहे हैं, भरी सभा में जलील करना, धक्का दे देना, मैं बर्दाश्त करता गया, लेकिन आज हद हो गई जब उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे फ़ोन पे दी और मैंने पूरा बात रिकॉर्डिंग कर लिया है। मैं कप्तान साहब को सूचना दे दिया हूँ,
एसओ साहब को सूचना दे दिया हूँ कि मेरे प्रति किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी जियाउद्दीन रिजवी साहब की होगी। तो वहीं सपा के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव वायरल हो रही ऑडियो की निंदा करते हैं। उनका कहना है कि वो पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और वो दोनों नेताओं से बात करके उनके बीच मतभेद मिटाकर उनको पार्टी हित में काम करने के लिए कहेंगे। सिकंदरपुर के जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं जियाउद्दीन रिजवी साहब, जो उनका ऑडियो वायरल हुआ है, जो कुछ हुआ है इसकी मैं निंदा करता हूँ। वो पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और जो हमारे पार्टी के युवा नेता हैं जुबेर सोनू, उनके साथ जो हुआ है उसको भी मैं निंदा करता हूँ। दोनों नेताओं से मैं बात करूँगा गंभीरता से कि समाजवादी पार्टी दल बड़ा है व्यक्ति बड़ा नहीं है। दोनों लोगों से वार्ता करके हमारा प्रयास रहेगा कि सारे मतभेद को भुला करके पार्टी हित के लिए दोनों नेता हमारे लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए दोनों लोग काम करें, जिससे समाजवादी पार्टी की तरक्की हो सके, समाजवादी पार्टी का विकास हो सके। ये दोनों लोगों से मैं बात करके प्रयास करके मामले को निपटाने का प्रयास करूंगा। राजमंगल यादव ने तो ये कह दिया, मगर क्या वो वाकई इस मामले को शांत कराने में सफल होंगे? क्या दोनों नेता आपस में बैठकर बातचीत से ही मामले को सुलझा लेंगे, या फिर ये मामला शांत होने में अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि जल्द ही यूपी में निकाय चुनाव होने हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये रुख उनके लिए भारी भी पड़ सकता है।